नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताजा तरीन खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले, किसानों के साथ फिर से बातचीत बहाल करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से आंदोलनरत किसानों के साथ बातचीत बहाल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सरकार को किसानों की मांग को मानते हुए सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। बड़ी तादाद में किसान अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार हठधर्मिता छोड़कर सकारात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के वार्ड बढ़ाए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात एक वेबिनार में भाग लेते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें आई हैं जिन्हें दूर कर लिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, लॉकडाउन अवधि का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 4 महीने की बिजली की सिक्योरिटी को 1 साल के लिए डेफर किया गया है और जब तक कोरोना काल है अर्थात लॉकडाउन अवधि, तब तक बिजली का कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा। बिजली मंत्री ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोला। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में ज्यादातर गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। PHC, CHC व सब सेंटर पर भी लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में राज्य के लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और जिन व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है उन्हें दूसरी डोज अवश्य लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जितनी मात्रा में दवाइयों की जरूरत होगी उससे अधिक मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज को निर्धारित किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो जिला अस्पतालों को भी निर्धारित किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद BPL परिवारों के पास आ रहे मैसेज, लोगों में फ्रॉड का डर। इस समय देश और प्रदेश में कोरोना के कारण लोग भारी परेशानी से गुजर रहे हैं। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने घरों में रह रहे हैं। दोपहर बाद तो शहर, गली, मोहल्ले व बाजार में सन्नाटा छा जाता है। गरीब तबके के लोग जो दिन भर कमाते हैं तो शाम को उनके घरों का चूल्हा जलता है। ऐसे में गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं कुछ शरारती या ठग गिरोह के लोग नए तरीके से ठगी करके पैसे कमाने के चक्कर में हैं, जबकि लोगों को अपनी जान बचाने के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस ने नकली रेमडेसिविर के मामले में सील की दवा कंपनी 11 गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस द्वारा नकली दवाओं की कालाबाजारी पर एक और प्रहार करते हुए संयुक्त कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की दवा कंपनी को सील किया गया है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के सहयोग से की गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए यूं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन में जुटा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही कोविड गाइडलाइंस के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं अनेक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की भी कमी देखी जा रही है। मंगलवार को फतेहाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ऐसा ही दिखाई दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज फतेहाबाद के लघु सचिवालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। यहां नागरिक आधार कार्ड दिखाकर 9 बजे से 5 बजे तक वैक्सीन लगवाने के लिए दावे किए गए थे। कस्सी से काटकर किसान की हत्या। मंगलवार तड़के गांव तिगड़ाना में खेतों में साझी ने कस्सी मारकर किसान की हत्या कर दी। बाद में आरोपित खेत से फरार हो गया। किसान का खाना लेकर पहुंचे मृतक के पिता को घटना की जानकारी मिली। उसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। लॉकडाउन में बसों को सवारियां नहीं मिलने से रोडवेज को हर दिन लाखों का नुकसान। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 3 मई से लॉकडाउन लागू किया था। इसके बाद लॉकडाउन व कोरोना महामारी के चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई है, जिसके चलते नारनौल से डिपो में मात्र 10 बसें ही चलाई जा रही हैं। यह बस रेवाड़ी, गुरुग्राम, दादरी, महेंद्रगढ़, कनीना व नांगल चौधरी आदि रूट पर चल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत के हिसाब से ही कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन के बाद से दिल्ली व राजस्थान रूट पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं। 25 मई से 2 जून तक रहेगा 9 तपा। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 25 मई को सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में सुबह 8:47 से प्रवेश करेगा और 8 जून सुबह 6:40 तक इसी नक्षत्र में रहेगा। सूर्य की नक्षत्र बदलते ही 9 तपा शुरू हो जाएगा। सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़नी शुरू हो जाएंगी। इस बार शुक्र तारा उदय होने से इसका प्रभाव तेज रहेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी।
कोरोना सुरक्षा कवच तो दूर की बात, यहां तो सफाई कर्मियों के 5 माह से वेतन नहीं मिला। नगर पालिका के सफाई व चतुर्थ कर्मचारियों को बीते करीब 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर सोमवार को वे काम छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में वे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहकर नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि देना तो दूर की बात है, पिछले लंबे समय से वेतन तक नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है जो वेतन मिलने तक जारी रहेगा। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने फिर किए पक्का निर्माण, पुलिस ने भेजा नोटिस। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को 6 माह पूरे हो गए हैं। आंदोलन लंबा खिंचता देख धरना स्थल पर आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से ईंट व सीमेंट से पक्का निर्माण कर लिया है। आंदोलनकारियों ने बॉर्डर से लेकर KMP KJP 0 पॉइंट तक इस तरह के करीब 12 से 14 घर बना लिए हैं। इससे पहले GT रोड पर पक्का निर्माण करने पर आंदोलनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पक्का निर्माण करने पर पुलिस की ओर से नोटिस देने की बात कही जा रही है। स्टेडियम की दीवार फांदकर वकील को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भूना, लड़की के चक्कर में हत्या की आशंका। रोहतक में सोमवार देर शाम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पेशे से वकील, यह युवक घटना के वक्त ग्राउंड पर कसरत कर रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और उन्होंने 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। जान बचाने के लिए युवक भागा, लेकिन हमलावर पीछा करते रहे और गोली चलाते रहे। पुलिस ने संबंध में 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वारदात को लड़की के चक्कर में अंजाम दिए जाने का शक है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को व्हाट्सएप पर आई धमकी की कॉल, मैसेज भेजने वाले ने अभद्र भाषा में भी की बात। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने पुलिस को शिकायत दी है कि किसी ने उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप मैसेज कर उन्हें धमकी दी है। मैसेज करने वाले ने उनके साथ अभद्र भाषा में भी बात की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर 26 के थाना पुलिस ने IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंचकुला में CM फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 6 माह पूरे, किसान मनाएंगे काला दिवस। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जिद पर अड़े किसानों के आंदोलन के 6 माह बुधवार को पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान किसानों के साथ केंद्र सरकार के कई दौरों की वार्ता भी हुई है और वह विफल होने के बाद किसानों ने निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब किसानों ने कृषि आंदोलन के 6 माह पूरे होने के चलते बुधवार को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा में कोरोना के बीच अब ग्लैंडर्स की बीमारी ने दी दस्तक। झज्जर जिले में 2 घोड़ों के अंदर यह ग्लैंडर्स की बीमारी पाई गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में 143 अश्व प्रजाति के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में झज्जर जिले के अंदर 2 घोड़े ग्लैंडर्स की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जिसे पशुपालन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस से 10 लोगों की मौत, 50 मामले रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 मामले अब तक की रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। जिन 10 लोगों की मौत हुई है, इनमें 9 लोग सिरसा के व 1 फतेहाबाद का है। मुआवजा लेंगे 1 करोड़, फिर निकलेगा रोड। किसानों ने दूसरी बार शुरू नहीं होने दिया निर्माण कार्य। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक बनने वाले हाईवे का निर्माण आरंभ करने पहुंची कंपनी को आज डबवाली उपमंडल के विभिन्न गांवों के किसानों ने काम करने से रोक दिया। कम मुआवजा राशि मिलने से नाराज किसान आज अलिका गाँव में बैठक करने के लिए एकत्रित हुए थे। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि से असंतुष्टि, आक्रोशित किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के जुटने की भनक लगने पर शहर थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा भी मौके पर पहुंचे। लाइनमैन ने नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, मामला दर्ज। हिसार के आजाद नगर में पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सरकारी विभाग में कार्यरत लाइनमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि लाइनमैन ने रतिया निवासी वीरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। किसानों के समर्थन में उतरा सर्व कर्मचारी संघ, कल मनाएंगे काला दिवस। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने मीटिंग कर किसानों द्वारा कल मनाए जाने वाले काला दिवस का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कल सभी विभागों के कर्मचारी किसानों के समर्थन में काला दिवस मनाएंगे। इस दौरान सभी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
परिवार को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुंदरकांड को लेकर हुआ झगड़ा। पलवल में एक परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी पीट रहे हैं। इस मार पिटाई में पीड़ित परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला कैंप थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। मौत की वजह का हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सागर के शरीर पर कई जगह चोट के नीले निशान पड़े हुए थे। उस पर किसी नुकीली भारी चीज से वार किया गया था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसके शरीर पर करीब 4 सेंटीमीटर तक गहरे जख्म मौजूद थे। सागर के सिर से लेकर घुटने तक पर चोट के निशान मिले। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का वेस्टेज 6% से घटकर 3% पर आया। हरियाणा में वैक्सीन वेस्टेज को नियंत्रित करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़े को 6% से घटाकर 2-3% तक करने में सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में वैक्सीन वेस्टेज की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक थी क्योंकि डेटा बेमेल था और अब जिलों ने इसे ठीक कर दिया है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।